वीडियो ऑफ खुशीज ला फिएस्टा। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग एडवेंचरस व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि आज हम आए हैं दिल्ली के मयूर विहार के पास साकेत लेके, वहाँ पे जहाँ पे है दिल्ली का बिगेस्ट एडवेंचर पार्क। वो रहा ये, इसका एंट्री गेट आप पहले देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा गेट है इसका, एडवेंचरस गेट। तो बहुत सुंदर सा इसका ये गेट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से चलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले टिकट काउंटर पे चलते हैं, टिकट लेते हैं और उसकी डिटेल मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। तो आइए जल्दी से। फाइनली हम आ गए हैं टिकट काउंटर पर और अब हम जा रहे हैं टिकट लेने। यहाँ पे अलग अलग प्राइस है टिकट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कौन कौन सी एक्टिविटी आपको यहाँ मिलेगी, कितने टिकट में आपको मिलेगी, तो वो आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। आइए। एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है बॉडी जॉर्बिंग, तो आपको दिखाते हैं क्योंकि देखने में ज़्यादा मज़ा है उसमें। तो वो पता है बहुत हैवी है, वो जो बॉल है, बॉल वाला गेम है। तो वो जो हम बॉल मतलब वो कैरी जो करेंगे वो 30 kg की है, तो अगर आप इतना उठा सकते हैं वेट तभी जाइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब जो पैसे दिए हैं तो मैं तो जाऊँगी ज़रूर। तो चलते हैं। प्रांशु कैसा लगा? प्रांशु कैसी लगी? बढ़िया था, सारी गुस्सा निकल गई हमारी कल की। तो अगर आप भी किसी के गुस्सा है तो आप आ सकते हो उसको मारने पीटने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्टिविटी करने में और इतने ज़्यादा थक गए तो लाइक ग्लूकोन डी क्यों नहीं लेके आए। तो अब हम जा रहे हैं कुछ अलग करने जो कि मुझे बहुत टाइम से जिस पे वीडियो बनानी थी। तो अब चलते हैं वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। जल्दी कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट बंद कर। तो हमारी वो रील वो सब बन चुकी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके वो देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें 50 रुपीज़ देने पड़े थे। अगर आप चाहो तो आप सिंगल भी बनवा सकते हो या फिर आप अपने किसी फ्रेंड या किसी के भी साथ बना सकते हो। 50 रुपीज़ दे के आप दो लोग एक साथ वीडियो बनवा सकते हो। तो चलते हैं आप नेक्स्ट गेम के लिए। नेक्स्ट गेम के पास जो कि है बास्केटबॉल, जिसमें हमें गोल करने हैं बहुत सारे। तो आप देखते हैं कि मैं कितना अच्छा गोल कर पाती हूँ और कितने लोगों को टक्कर दे पाती हूँ। और जो लोग खेल रहे हैं आप उनमें से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसने सबसे ज़्यादा गोल करे होंगे। आर्चरी के लिए तो देखते हैं मैं कितना अच्छा आर्चरी कर सकती हूँ। वैसे भी मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी है तो चलते हैं आर्चरी करते हैं। क्या हो रही है अब? लो। बहुत ही अच्छी आर्चरी करने के बाद मतलब मैंने जितने हमारे सभी लगे और उसके बाद अब हम जा रहे हैं ट्री टॉप पे। तो मस्ती करते हैं वहाँ जाके क्योंकि ये आई थिंक सबसे बेस्ट पोर्शन है इस एडवेंचर पार्क का। तो आइए। हिलाते थोड़ा। अरे यहाँ पर क्या टफ है। got it. ये और इशू है सब लोग बैलेंस के नाम पे डब्बा सिर्फ यहाँ तक आना है। लेट के आ जाओ रोल करके सिर्फ यहाँ तक आना है। आ गया अब तो मैं अच्छे से आऊंगा। अरे हालांकि बेचते जा रहे यार ये बाई चांस रस्सी खुल जाती तो नीचे गद्दा भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा रखा सिक्योरिटी पर ऐसे है। कोई सेंस है इस बात की? हटो हटो इतना जगह तो नहीं। तो हम जा रहे हैं दूसरी एक्टिविटी में। जितना ये आसान लग रहा है ना उतना आसान ये बिल्कुल नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी। बाकी प्रत्यक्ष वगैरह तो ऐसे हैं जैसे निंजा टेक्निक होता है ना पानी पे चल के आना, सेम वैसी। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा ट्रस्ट इशू। तो हम जा रहे हैं दूसरे में, एक बहुत ही अच्छा सा जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो दिखाते हैं मैं आपको। यार ये लग कैसा रहा है? मैं जा तो रही हूँ, अगर मैं नहीं आई ना तो प्लीज मुझे देखने आ जाना। मतलब बीच में फंस गई तो यार जय भगवान जी की, भगवान जी की। Oh my God, oh God. ये जबरदस्ती की एक्टिविटी यार डर सा लग रहा। अगर इसमें छिपकली आ गई तो कोई वीडियो भी नहीं बना रहा मेरी। अरे ये अब तो मैं निकल जाऊंगी। अरे मम्मा अम्मा, अरे दादा आ गया आ गया आ गया। तो हम आ गए हैं, एक मिनट। ओह आ गई मैं, ये रहा वो इसमें मैं आई हूँ। अब चलते दूसरी एक्टिविटी में। दूसरे में ये बड़ा क्यूट सा है, इसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। धक्का, सारी मिट्टी पोंछ दी मैंने। अरे ये तो तूने कितना गंदा आइडिया दिया। सारी पोंछ दी मैंने मिट्टी। ये जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं हमारा। हम जाएंगे नहीं उधर। आई एम वेरी चालाक मिस क्यूब। ओ देखना ये ट्रस्ट आप लोग देख रहे हो, ये देखो टूटा हुआ है। आप जब भी हो ध्यान से आना, पता नहीं कब नीचे चले जाओ। नीचे कुछ है भी नहीं पेड़ के सिवा। जाली का तो जाली भी टूट गई। जब इंसान की किस्मत खराब होगी तो वो भी टूट ही जाएगा। तो मुझे कौन सा पैसे टिकट लिया है ना मेरा। और दादा बाद में जाएंगे, थोड़ा फ्रेंच के साथ जाएंगे। हिलाया अगर तुमने ये और प्रांशु थप्पड़ खाओगे झूठे। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाएं हाथ का खेल था। ये तो बहुत इजी तो है। हमारी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट गेम पे, तो अब डायरेक्ट मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। आइए, तो ट्री टॉप के बाद अब हम जा रहे हैं जिप लाइन और साइकिलिंग के लिए, तो जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी भूख भी लगी है, तो कुछ खिलाएंगे भी, आपको भी, हम भी खाएंगे और डायरेक्ट अब वहीं चलते हैं। जिप लाइन हो चुकी है, बहुत ही खतरनाक थी वो, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है और वो इतने हाइट से एकदम से 1 2 3 भी नहीं करते, एकदम धक्का दे देते हैं, तो वो ही था। मैं प्रिपेयर नहीं थी, उन्होंने एकदम दे दिया। उसके बाद से जो मेरा हाल हुआ, मैं रोने लग गई थी, मतलब रोने नहीं, आंसू आ गए थे बस थोड़े से ना, तो मुझे डर नहीं लगता ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही लगता है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि अब मेरी हालत नहीं है कि मैं अभी एकदम से कुछ और एक्टिविटी पे जाऊँ, और भूख भी लग रही है सुबह से, क्योंकि हम बहुत टाइम से यहाँ पे आ गए थे। तो पहले कुछ खाने पे नहीं चलते, उसके बाद हम फिर लेज़र रह गया है, बॉलिंग रह गया, टेबल टेनिस रह गया है, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो वो एक्टिविटी करेंगे। और फिर जाएगा नहीं, साथ में रहना है आपको पूरी वीडियो में, ठीक है, जाना नहीं बिल्कुल भी, मेरे से बुरा फिर कोई नहीं होगा, बता दूँ। तो अब चलते हैं कुछ खाने। जो फायर है और ये रिलोड है, रिकॉल जिसको बोलते हैं। दबाने से गोलियां भरते हैं, जो अंदर हमने कवर करना था कि ये वाला वो ये वाला तो बता दबाओगे गोलियां भरते हैं। 50 शॉट के बाद वो खुद ही फायर नहीं करते, तो रिलोड करना होगा। कोई कोई आउट होगा तो राइट ऑन होगा, शॉट खत्म तो खुद फायर किया तो वहाँ पे कोई और चलो जल्दी जाओ, दोनों ग्राउंड की टीम में एक जन उठ जाओ। फायर स्टार्ट, रिलोड 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 करो। हो गई रिलोड, हो गई, आवाज करिए तो हो गई फायर। भाई कौन सा बटन दबा रहे हो? दबाओ दबाओ, टाइट दबाओ ना, वो तो भाई तो कभी मेरा चश्मा लग रहा है, कभी मेरा चश्मा उतर रहा है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कभी पहन लेती हूँ कभी उतार देती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं लेज़र वाला गेम खेल के, जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी तक का सबसे बेकार गेम लगा मुझे, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया और बहुत छोटा सा गेम रहा है वो, तो पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी मैं और लोगों से पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा। प्रियांशु, प्रियांशु कैसा लगा गेम? प्रत्यक्ष तुम बताओ कैसा लगा गेम, तुम्हें कैसा लगा? सही था, अच्छा था, ठीक था, सही था। टाइम ज्यादा होना चाहिए और जगह भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हाँ वो बहुत ज्यादा छोटी सी जगह थी, स्टोर रूम जैसे, बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत छोटी थी। सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा तुम्हें? और पता है गन नहीं लोड हो रही थी, वो सही बात है मेरी। मैं ये हार गए ना तो इसलिए बोल रही, गन लोड नहीं हो रही थी, गन सही में नहीं, ये बेकार, जो हारा वो हारा। ऐसा नहीं है, सेकंड तो आया हूं, हार गए। हां वो तो दीदी ने कर दी, उन तभी सेकंड आ गए, उन सेकंड भी नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। फेवरेट गेम कौन सा लगा अभी तक? जिप लाइन, जिसमें मैं रोई थी। और बॉलिंग भी अच्छा था, वो भी मेरे से अच्छे से नहीं हुआ। और टेबल टेनिस पे भी वो मैंने अच्छे से किया। हां तो अब चल रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं प्रत्यक्ष? ट्रैपलिन चलते हैं, वहां जाके उछल कूद मचाते हैं थोड़ा। हाँ उछल कूद करते हैं थोड़ी, आइए। तो अब हम आए ट्रैम्पोलिन करने, जहाँ पे हमें मिले ये सॉक्स जो कि साफ हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने सॉक्स नहीं पहन सकते है ना, कुछ क्या बताना चाहेंगे हम? ये सॉक्स आपको पहन के जाने पड़ेंगे क्योंकि बिना इसमें ग्रिप लगी हुई है यहाँ पे। हाँ ये नहीं तो ग्रिप नहीं बनेगी आपके, अपने सॉक्स पहन के जाएंगे तब भी ग्रिप नहीं बनेगी, और नहीं जाएंगे सॉक्स पहन के तो फिर वो चिपकेगा और बैलेंस नहीं बन पाएगा आपका। तो आपको प्रत्यक्ष की बात समझ आ गई है ना, तो अब चलते हैं और मस्ती करते हैं। Let's go, Hanuma. वीडियो में इतना। आई होप आपको मजा आया हो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा आया। मैंने हंसना, खेलना, रोना सब कर लिया यहाँ पे आके। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो या नोएडा कहीं पे भी रहते हो तो प्लीज यहाँ पे जरूर आइएगा। प्लीज 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 बिल्कुल जरूर आइएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के भी साथ, कजिन्स के साथ भी आ सकते हो। मैं उन्हीं के साथ ही आई थी और मतलब अभी तक का बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है मेरा ये। तो प्लीज आइएगा और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलें और यहाँ आना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।